वेलकम बैक एवरीवन, मेरा नाम है मोहम्मद साहब अलम, आप देख रहे हैं रमजान ट्यूटोरियल और आज हम पढ़ने वाले हैं फोर्थ पार्ट लॉज ऑफ एडिशन का। इससे पहले हम लोगों ने तीन पार्ट में केवल फॉर्मुला के डेरिवेशंस को देखा था। जो आप लोग नहीं देख रहे तो ऊपर क्या बटन और नीचे के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम हमेशा अपडेट कर देते हैं कि जो भी हमारे नए वीडियोस आए हैं और जिस भी चैप्टर को आप देखना चाहते हैं उसके लिंक वहां मिल जाएंगे। अगर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलना नहीं आता है या हमारे वीडियो को शेयर करना नहीं आता है तो उसके लिए हमारे वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। लास्ट में हमारे पास वीडियो में अपलोड कर दिया जाएगा कि किस तरह से डिस्क्रिप्शन बॉक्स को उसके चेक किया जाता है और किस तरह से वीडियो को शेयर कर सकते हैं आप दूसरों के साथ। हमारी हेल्प करने के लिए वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें जरूर। तो चलिए आज शुरू करते हैं हमारा पार्ट फोर, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर वन। एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर वन में कुछ चार पांच क्वेश्चन है, इन चार पांच क्वेश्चन को वन बाय वन हम सॉल्व करेंगे आज के क्लास में। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट फोर। सब लोग रेडी हैं? आज हमारा एम है, हम लोग कुछ क्वेश्चन नंबर वन और क्वेश्चन नंबर टू, इन दोनों क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन वन के सारे क्वेश्चन तो हो जाएंगे, टू के सारे क्वेश्चन कवर कर पाना थोड़ा मुश्किल है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि जितने क्वेश्चन हो सकते हैं उनको बना लूं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन का, वन नंबर क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर वन में जो वन नंबर क्वेश्चन हमें दिया गया है, उस क्वेश्चन में कहा जा रहा है फिफ्थ रूट ऑफ एट, इस पूरे का पावर दिया गया है 15 और उसके साथ दिया गया है मल्टीप्लाई 16, जिसका पावर दिया गया है -3/2। चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करूं, क्या आप लोग जानते हैं फिफ्थ रूट ऑफ एट का वैल्यू क्या होता है? ओके, गौतम बताइए। 1/5। बिल्कुल सही। तो ये हो जाएगा 8 अपनी जगह पर और फिफ्थ रूट का मतलब होगा 1/5। और आपको पता है ना, जब भी ब्रैकेट के बाहर जो होता है उससे गुना हो जाता है, तो वहां पर भी दिया हुआ है 1/5। आई थिंक मैंने यहाँ क्वेश्चन गलत कॉपी किया है, ये 1/5 नहीं है क्या? 5/2। मैंने यहाँ गलत लिखा था, ये होगा 5/2। तो ये यहाँ होने वाला था 5/2। चलिए ये हो गया। आगे भाग में बढ़ते हैं, जो हमारा अगला भाग है वो है 16। आप लोगों को याद है, मैंने इससे पहले भी तोड़ने से कहा था, 16 को कितना लिख सकते हैं? 2 का पावर 4। बिल्कुल सही किशन, ये हो गया 2 का पावर 4। अब गुना कितना हो जाएगा? -3/2। चलिए आगे कैलकुलेशन करते हैं। देखिए ये 5 इस 5 को कैंसिल कर देगा, यहाँ 2 इस 4 को कैंसिल करके 2 कर देगा। तो जब इसने कैंसिलेशन कर दी तो ये क्या बचा? 8 का पावर 1/2, अंश में 1 हर में 2, गुना ये 2 का पावर कितना बचा? ये 2 × -3 -6। अब इस क्वेश्चन में और भी कैलकुलेशन पॉसिबल है, 8 है ना, 8 2 का पावर 3। बिल्कुल सही किशन, तो ये 8 हो जाएगा 2 का पावर 3 और डिवाइडेड बाय 2 है ना साथ में, गुना 2 का पावर -6। देखिए दोनों का आधार एक ही है, बीच में गुना है तो ऊपर में जोड़ करेंगे, तो अंश में क्या हो जाएगा? 2 का पावर 3/2 - 6। 6 मतलब 6/1। आप लोगों को भिन्न का जोड़ घटाओ गुना भाग आता होगा, तो ये भिन्न का घटाव है। जब आप लोग घटाव को सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 2 का पावर -9/2। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन। तरीका समझ आया? बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था और ये फर्स्ट क्वेश्चन था जिस क्वेश्चन को हम लोगों ने बनाया। अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो मैं आपको कुछ बेसिक बातें बता दूं। देखिए इस क्वेश्चन का हमारा मेन एम था, जो भी चीजें दी गई हैं उसमें जो फॉर्मूलाज पॉसिबल है उनको यूज करना। जब मैंने इसे स्टार्ट किया तो मैंने कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल किया? आप लोगों को जो फॉर्मूला सिखाया था ना रूट वाला, वो फॉर्मूला कौन सा? इस लाइन को मैंने बनाने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया था, mth रूट ऑफ x क्या होता है? x^(1/m)। याद है ये वाला फॉर्मूला? इससे मैंने इसे तोड़ा। इसके लिए तो मैंने कोई फॉर्मूला का इस्तेमाल नहीं किया, इसमें मैंने जो चीज की वो ये थी कि जब किसी एक क्वेश्चन को इस चैप्टर में सॉल्व करते हैं तो करते क्या है, खोजते हैं बेस, कितना बेस पॉसिबल है। हम लोगों ने जब पिछले क्लास वाले वीडियोस को बनाया था, जब पिछले क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चंस की थी तो देखे थे ना, बेस खोजते हैं कितने बेस संभव है। तो इस क्वेश्चन में केवल एक ही बेस संभव था, क्या? 2 और कुछ भी नहीं। वेरी गुड किशन, आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो किशन के अलावा इसमें किसी और का आंसर नहीं आया, सबका आंसर आना चाहिए था। आई थिंक कि किशन चैप्टर में काफी मेहनत कर रहा है, बाकी लोग मेहनत से भाग रहे हैं। प्लीज इस चैप्टर में मेहनत से मत भागिए। अगर इस चैप्टर की बात की जाए और इस चैप्टर के क्वेश्चंस की बात की जाए, इसका स्टैंडर्ड 9 के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है थोड़ा टफ है।
8 तक आप जैसे सवालों को बना के आए हैं, 9 में ऑल ऑफ सडन इस चैप्टर को बनाना थोड़ा कठिन होता है, इसलिए प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत है इस चैप्टर में। इस चैप्टर में प्रैक्टिस से ना भागे, वरना बाद में कोई उपाय नहीं निकलेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 व्हिच इज फ्रॉम सेकंड क्वेश्चन। रेडी है हमारे पास क्वेश्चन, देखते हैं। 125 का पावर दिया हुआ है -2 गुने 16 का पावर दिया हुआ है -3/2 और इस पूरे का पावर दिया हुआ है -1/6। तो बेस में कौन दिख रहा है आप लोगों को, कौन बोलना चाहेगा? इंद्रजीत आप बताइए, आपको इसके सवाल के बेस में कौन कौन दिख रहा है? 125, 16। ओके, अभी 125 और 16 दिख रहा है, लेकिन दरअसल 125 टूटेगा ना, क्या होता है 125 के बारे में कौन बोलना चाहेगा? फिर से किशन, गौतम है, हाँ गौतम बताइए। बिल्कुल सही, 5 का पावर 3, एक्सेलेंट। और 16 तो अभी हम लोग पढ़े थे 2 का पावर 4, तो ये दोनों के बारे में पता चल गया। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, तो ये 125 जो है ये हो जाएगा 5 का पावर 3 और इसको किससे गुना करेंगे? -2 से। 16 को क्या ले सकते हैं? 2 का पावर 4, उसको किससे गुना करेंगे? -3/2 से। और इस पूरे का पावर कितना है? -1/6। इसको करने से पहले यहाँ कर लेते हैं, ये हो जाएगा ना 5 का पावर -6 गुने 2 से 4 को काटेंगे 2 हुआ, तो 2 का पावर कितना हो गया? फिर से -6 और इस पूरे का पावर कितना हो गया? -1/6। आप लोगों को नियम सिखाया था मैंने, याद है कि अगर x और y के पावर में m हो तो हम लोग लिख सकते हैं x का पावर m गुने y का पावर m, याद है? तो उसके हिसाब से इसके पावर में -6 है, ये पावर में है, तो इसके साथ इसका गुना हो जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं 5 का पावर -6 गुने -1/6 गुने 2 का पावर -6 गुना -1/6। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 कट गया, क्या बचा? 1। तो 5 का पावर 1 गुना 2 में भी देखिए माइनस माइनस प्लस 6 कट गया, तो क्या बचा? 2 का पावर 1। 5 का पावर 1 यानी 5 गुने 2 का पावर 1 यानी 2, 5 दूनी 10, आंसर। ये क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन के कंपैरिजन में काफी इजी क्वेश्चन था और बहुत ही अच्छा और स्टैंडर्ड क्वेश्चन है अगर आप लोग इस चैप्टर को सीख रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा आई होप कि कंप्लीट हो गया होगा, तो हम पढ़ेंगे आज के पार्ट के फोर्थ पार्ट के थर्ड क्वेश्चन की तरफ, 1 का 3 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 1 का 3 नंबर क्वेश्चन, रेडी है, क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है 4 का पावर 1/3 गुने 2 का पावर 1/3 गुने 3 का पावर 1/2 भाग 9 का पावर 1/4। आपको दिख रहा है इस क्वेश्चन में बेस में 4 है, 2 है, 3 है और 9 मतलब फिर से 3 है और 4 मतलब फिर से 2 है, तो कितने बेस है? 2 ही है, कौन कौन? 2 और 3, बिल्कुल सही। अब यहाँ भाग है ना, इस भाग की वजह से हम लोग क्या करेंगे, भाग के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे बटा, आप लोगों को सिखाया गया था ना डिवाइडेड बाई, तो हम लोग इस क्वेश्चन को रीराइट कर सकते हैं अगली लाइन में ऐसे, 4 का पावर 1/3 और 4 को मैं लिख सकता हूँ ना 2 का पावर 2, तो 2 का पावर 2 करने पे ये 2/3 हो जाएगा गुना 2 का पावर 1/3 गुना 3 का पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 9 को क्या लिख सकते हैं 3 का पावर 2 गुने 1/4, 2 से 4 को काटेंगे तो हो गया ना 1/2, तो अगला लाइन क्या हो जाएगा? देखिए अगले लाइन में 2 बेस, दोनों का बेस एक ही है 2, तो क्या होगा अंश पावर में जुड़ जाएगा ना, 2/3 + 1/3 गुने 3 का पावर 1/2 और यहाँ कितना हो गया 3 का पावर 1/2, ये दोनों एक है तो कट जाएगा ना, मतलब भाग हो गया, तो यहाँ क्या बचा? यहाँ पर बचा हमारे पास केवल 2 का पावर 3 + 3 और इसका लॉसोफ करके समाधान करेंगे तो आएगा 1, इसका लॉसोफ करके समाधान करना आता है, साइड में सिखा देता हूँ, 2/3 + 1/3 यहाँ इस 3 दोनों का लॉसोफ होगा 3, ये होगा 2 + 1 तो ये हो गया 3/3 कट गया, कितना हुआ 1, तो ये कितना हो गया 2 का पावर 1, 2 का पावर 1 मतलब 2, ये हो गया हमारा आंसर। तरीका समझ में आया क्वेश्चन में? काफी इजी क्वेश्चन था ये, तो 1 का 1 नंबर क्वेश्चन ही थोड़ा टफ था, 2 और 3 कंपैरेटिवली काफी इजी क्वेश्चंस में था। अब हम लोग बढ़ेंगे 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ और 2 नंबर में से कुछ क्वेश्चंस को बना के आज का क्लास खत्म करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं 2 का 1 नंबर क्वेश्चन। अब हम शुरू करने जा रहे हैं 2 का 1 नंबर क्वेश्चन। 2 के क्वेश्चंस के सीरीज में बाकी सारे क्वेश्चंस इससे इजी मिलेंगे, लेकिन ये जो 2 का 1 नंबर क्वेश्चन है ये थोड़ा टफ है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सावधानी से सीखिएगा और जिन बारीक चीजों की जरूरत है, जिन फॉर्मूलास की जरूरत है वो मैं बताता हूँ। सब लोग रेडी है, स्टार्ट करते हैं क्लास। देखिए
दोनों के बीच में दिया गया है भाग, भाग मतलब होता है बटा, तो हम लोग उसे लिख सकते हैं बटा के रूप में। तो ये हो जाएगा 8 a का क्यूब बटा 27 x का पावर माइनस 3, पूरे का पावर है 2/3 गुना। अगले वाले भाग में भी देखिए दोनों के बीच में भाग है, तो ये हो जाएगा 64 a का पावर 3 बटा 27 x का पावर माइनस 3 और पूरे का पावर हो जाएगा -2/3। इतने दूर तक कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग सवाल में जब आगे बढ़ेंगे तो एक चीज गौर करने वाली बात है, जब भी कोई पावर में नीचे होता है उसको ऊपर ले जाते हैं तो चिन्ह बदल जाता है। तो ये x का पावर माइनस 3 में ऊपर जाएगा तो प्लस 3, यहाँ पर भी माइनस 3 में ऊपर जाएगा तो प्लस 3। और अगला लाइन बड़ी खूबसूरती से इस तरह से क्रिएट हो जाएगा, 8/27 a का पावर 3 x का पावर 3 पूरे का पावर 2/3 गुने 64/27, ठीक है। और इसमें हो जाएगा a का पावर 3 x का पावर 3 पूरे का पावर -2/3। क्लियर है? जब भी किसी का पावर माइनस होता है तो वो हर में चलाता है। इस पूरे का पावर माइनस है यानी वो हर में चलाएगा, किसके हर में आएगा? इस पूरे के हर में आएगा। तो अगला लाइन कुछ इस तरह से लिखाएगा, 8/27 a का पावर 3 x का पावर 3 इस पूरे का पावर 2/3 पूरे का बटा ये 64/27 a का पावर 3 x का पावर 3 और इस पूरे का पावर 2/3। यहां माइनस था, अब बटा में लेके चले आए तो प्लस हो गया। देखिए जो इसका पावर है इसका भी पावर वही है, तो मैं चाहूं तो इस पूरे में से मैं एक ही ब्रैकेट करके पावर में 2/3 लिख सकता हूं या नहीं? क्लियर है? दोनों का पावर था। अब देखिए यहां पर a क्यूब x क्यूब अंश बटा हर कटेगा ना, काट दिया मैंने। अब जो बचा है उसको देखते हैं, 8/27 गुना ये जो 64/27 है वो उल्टा होगा और ये हो जाएगा 27/64 और इस पूरे का पावर कितना हो जाएगा 2/3। देखिए 27 अंश बटा हर कट जाएगा, 8 जब 64 को काटेगा तो कितना बचेगा 8। क्लियर हुआ? तो क्या बचा? ये बचा 1/8 इसका पावर 2/3। ठीक है, अब इसका समाधान क्या होगा? 8 आपको पता है ना 2/3 होता है, तो 1 जो है वो बिल्कुल अपनी जगह पर 1 ही रहेगा, लेकिन हर में जो 8 है वो होगा 2/3 और ये 2/3 में से 3 कट जाएगा तो 2/2 बचेगा। क्या बचेगा? 2/2 यानी कि 1/4। तो आपका आंसर क्या निकल के आया? 1/4। कैलकुलेशन के लास्ट वाले भाग में थोड़ा सा बोर्ड की वजह से दिक्कत हुई है, फिर से बताता हूं। ये आया इसकी वैल्यू, देखिए अंश बटा हर और 8/64 करने के बाद आया 1/8, इसका पावर 2/3 था वही रहा। इस 1/8 को 1 को मैंने रख दिया और 8 को लिखा 2/3 और ये हो गया और पावर में 2/3, 3 कट गया तो क्या बचा? 2/2 यानी 1/4। तो ये हो गया हमारा आंसर। 2 का एक नंबर क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन के मुकाबले जो हम लोग आगे फेस करने वाले हैं उसमें थोड़ा टफ है, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। 2 का एक नंबर क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होता है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे 2 के 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हम लोग कुछ और क्वेश्चंस बनाना स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं 2 का 2। चलिए तो अगला क्वेश्चन रेडी है, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, एक्स का पावर -5 इस पूरे का पावर 2/3 उस पूरे का पावर -3/10। आपको पता है ना जब भी ब्रैकेट उठाते हैं तो दोनों के बीच में गुणा हो जाता है, तो ये क्वेश्चन एक स्टेप में ही बिल्कुल इस तरह से बन जाएगा। वैसे आप मल्टीपल स्टेप यूज कर सकते हैं, जरूरत नहीं है। एक्स का पावर -5 गुने 2/3 गुने -3/10 और 5 यानी 5/1। अब गुना करते हैं, देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, अंश में 5 हर में 10, 2 बार में कटा, 2 को काट दिया, 3 को काट दिया, कुछ भी बचा नहीं, मतलब 1 बच रहा है। तो x का पावर कितना हुआ? 1 यानी कि x। कितना इजी क्वेश्चन था ये क्वेश्चन। और अगर आप लोग अगले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे तो वो दिया हुआ है 2 का पावर -1, उसके ऊपर ब्रैकेट में -1, फिर मझले ब्रैकेट के ऊपर में -1, फिर बड़े ब्रैकेट के ऊपर में -1। तो आपको क्या दिख रहा है? कितने बार -1 है? 1 2 3 4, 4 बार है ना। इस क्वेश्चन को करने के लिए एक बार ब्रैकेट ओपन करके अगले लाइन में लिखिए 2 का पावर -1 कितने बार, 1 2 3 4 गुने -1 गुने -1 गुने -1। देखिए माइनस को माइनस से गुना करने पर कितना होगा?
प्लस वन, फिर प्लस को जब माइनस से गुना करेंगे क्या होगा, माइनस वन, फिर माइनस को माइनस से गुना करेंगे प्लस वन, तो क्या हो गया टू का पावर वन, यानी कि हो गया टू। तो ये था हमारा तीन नंबर क्वेश्चन और चार नंबर क्वेश्चन, तीन और चार हुआ हमारे पास, सॉरी टू और थ्री हुआ ना, टू और थ्री हुआ। तो हम लोगों ने टू और थ्री नंबर बनाया, बड़ा आसान लगा कि नहीं। हम लोग बढ़ते हैं फोर नंबर क्वेश्चन की तरफ, ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है दो का चार नंबर, बाकी क्वेश्चंस को हम लोग अपने अगले क्लास में करेंगे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, टू का फोर नंबर आखिरी क्वेश्चन, हमारा आखिरी क्वेश्चन दो का चार नंबर रेडी है। चलिए आज के आखिरी क्वेश्चन दो के चार नंबर क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन थोड़ा आप लोगों को टफ दिख सकता है, लेकिन ज्यादा टफ बिल्कुल भी नहीं है, आसानी से बनेगा। हाँ, पिछले दो क्वेश्चन जो हम लोगों ने बनाए एक साथ उनसे थोड़ा टफ है। क्वेश्चन है, आपको दिख रहा है ना क्यूब रूट है और ए का पावर कितना है माइनस टू, तो ये हो जाएगा ए का पावर माइनस टू बटा थ्री, जो बी है अपनी जगह पर रहेगा। फिर यहाँ पर बी के पावर में क्या हो जाएगा माइनस टू बटा थ्री, सेम नियम से। और सी जो है अपनी जगह पर रहेगा, फिर यहाँ पर ये जो सी है ये भी हो जाएगा माइनस टू बटा थ्री इंटू ए। अब देखिए ए यहाँ पर है और यहाँ पर है, इन दोनों के बीच में क्या है गुना, तो प्लस है गुना है, तो इनके पावर में क्या होगा, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब वन है, तो ए का पावर होगा वन माइनस टू बाई थ्री। बिल्कुल उसी तरह से बी भी देखिए, इन दोनों के बीच में गुना है, यहाँ कुछ नहीं है मतलब वन, तो बी का पावर क्या होगा वन माइनस टू बाई थ्री। एंड सिमिलर वे में सी का पावर भी होगा वन माइनस टू बाई थ्री। इसका लॉस ऑफ पावर के समाधान करना आप लोग जानते हैं, वन को वन बाई वन कीजिए और लॉस ऑफ पावर के समाधान कीजिए, तो ए का पावर आएगा एक बटा तीन, बी का पावर आएगा एक बटा तीन, सी का पावर आएगा एक बटा तीन। मैंने पिछले क्वेश्चन में लॉस ऑफ पावर करके दिखाया था, इस क्वेश्चन में नहीं करूंगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे लिख सकते हैं, ए बी सी सबका पावर एक ही है, बाहर में कॉमन कर देते हैं और ये हो गया हमारा आंसर। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और ये रहा हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन, आप देख रहे थे रमजान ट्यूटोरियल, मैं हूँ मोहम्मद शाहबाज आलम। डिस्क्रिप्शन चेक करना ना भूलें, वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कर दें, नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक करके हमें जरूर बताएं कि वीडियो में क्या प्रॉब्लम थे जो आपको समझ में नहीं आए। कुछ बच्चों को वीडियो के फॉन्ट से प्रॉब्लम हो रहा था कि वीडियो उनको दिख नहीं रहा है क्लियर, उन बच्चों से मैं सजेस्ट करना चाहूंगा वीडियो की रिजोल्यूशन को बढ़ा लीजिए, 360 से नीचे में अगर आप वीडियो को देखेंगे तो पढ़ाई के वीडियो 360 से नीचे में बोर्ड आपको समझ में नहीं आएगा, इसीलिए कोशिश कीजिए 360 से ज्यादा के रिजोल्यूशन में वीडियोस को देखें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं।